नानक गुप्ता, बिहार में दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक आज 53.5% वोटिंग हुई है। इस चरण में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ नीतीश सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में सील हो गई है। छिटपुट वारदातों के बीच बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा 165 यानी आधी से ज्यादा सीटों का जनादेश ईवीएम में कैद हो गया। बिहार के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग हुई। 1463 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। करीब 2,86,00,000 मतदाताओं ने लिया हिस्सा। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई, जिनमें राघोपुर से आरजेडी प्रत्याशी और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, हसनपुर से आरजेडी प्रत्याशी और तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव, परसा से जेडीयू प्रत्याशी और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय, चेरिया बरियारपुर से जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, रोसड़ा से एलजेपी उम्मीदवार और चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्ण राज, बांकीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, बांकीपुर से प्लूरल्स पार्टी प्रत्याशी और पार्टी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी शामिल हैं। इनके साथ ही बिहार सरकार के 5 मंत्रियों, पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, मधुबन से बीजेपी प्रत्याशी और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, नालंदा सदर से जेडीयू प्रत्याशी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, हथुआ से जेडीयू प्रत्याशी और समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह, गौड़ा बोराम से जेडीयू प्रत्याशी और मंत्री मदन सहनी की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई। दूसरे चरण में कई बाहुबलियों और उनके पत्नियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हुई, जिनमें पटना के दानापुर से आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव, वैशाली के महनार से पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी बीना सिंह, छपरा से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह, बनियापुर से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह, शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शामिल हैं। मतदान के शुरू में ही बिहार के कई दिग्गज नेताओं ने अपने वोट डाले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपना वोट डाला, तो वहीं महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपनी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ पटना में अपना वोट डाला। तेजस्वी ने बिहार में आरजेडी की लहर बताया, तो वहीं राबड़ी देवी ने दावा किया कि उनका बेटा तेजस्वी ही सीएम बनेगा। बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। बदलाव चाहता है बिहार के जनता, बिहार के जनता के लहर है, गंगा बह रही है लहर का, बदलाव का पूरा रिपोर्ट मिला है। हम लोग का सब जगह से जीत रहे हैं, महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है। पटना में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मतदान किया, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रोफेसर माया शंकर के साथ पटना में अपना वोट डाला। न्यूज 24 से बातचीत में प्रसाद ने एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। चुनाव का मुद्दा बहुत सीधा है, शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास। एक तरफ अशांति, अपहरण का माहौल रहा है 15 साल, नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार ने वो काम किया है, आगे इसको और ले जाएंगे। एनडीए की सरकार बनेगी, प्रामाणिक, निश्चित। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के साथ पटना में मतदान किया। न्यूज 24 के साथ बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। 10 तारीख को आप देखेंगे इस बार महागठबंधन की सरकार होगी, महागठबंधन महाविजयी होगी। एनडीए खामोश हो जाएगा, मगर महागठबंधन महाविजयी होगी तो जाहिर है सब बाकी खामोश हो जाएगा। बेतिया में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वोट दिया, तो खगड़िया में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आधे घंटे तक लाइन में लगकर मतदान किया।
पहले चरण में तो जो रुझान आए थे वो तो एक तरफ है, बट अब दूसरा चरण तो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा कि मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी कभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और देखिए जिस तरीके से अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज है। मतदान के दौरान उधर वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 191 पर सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर केआर भाई की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।